हे द लुईस, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैप्पी फुल मून डे टू एवरीवन। साथ ही साथ नया महीना भी स्टार्ट हो गया, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग्स, लेंगे आज का गाइडेंस। 12:12 की वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है फुल मून रीडिंग्स पर। और आज मैं रात को 8:08 पर पोस्ट करने वाली हूँ आप सब लोगों के लिए स्पेल फॉर द फुल मून। तो स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग्स। रीडिंग्स को स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड द सपोर्ट जो आप लोग देते हो। ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन। साथ ही साथ स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, मेरी ऑफिशियल रियल आईडी है। व्हाट्सएप नंबर 8109895050, इंस्टाग्राम आईडी द अंडरस्कोर ऑप्टिमिस्टिक _33। स्कैमर्स मेरे नाम की फेक आईडीज इंस्टाग्राम पर बना रहे हैं, तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा और इस चीज़ से थोड़ा ध्यान इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिनअप कर दी है, जहाँ पर व्हाट्सएप की भी लिंक है, इंस्टाग्राम की भी लिंक है और मेरे जो अदर चैनल्स हैं उसकी भी लिंक है। वही ऑफिशियल लिंक्स है, इसके अलावा मेरी कोई आईडी नहीं। तो आपको कोई पर्सनली मैसेज करता ना, तो प्लीज़ अवेयर रहना, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। चलिए लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस और देखते हैं कि ये फुल मून पे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक मैसेज है। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक मैसेज है, चलिए डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। ठीक है। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब सबसे क्लियरली इंडिकेशन दिखा रहे हैं यूनिवर्स, बता रहे हैं कि आप पीछे मत भागो। कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर आप अपना एटीट्यूड बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हो, या तो चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, या तो चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो। कुछ सिचुएशंस इतनी चैलेंजिंग आ जाती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यार मेरे फेवर में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे कुछ बदलाव ही नहीं दिख रहे हैं, मेरे फेवर में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, मैं जो चाह रहा हूँ उसका उल्टा ही होता जा रहा है, राइट? तो कुछ सिचुएशंस ऐसी नेगेटिव होती हैं कुछ पॉजिटिव होने के लिए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे साथ सब नेगेटिव हो रहा है या मेरे साथ सब प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, तो ऐसा मत सोचो। इट्स जस्ट अ फेज़ जो धीरे धीरे बेटर होगा और जो धीरे धीरे आपको चीज़ों में कमाल और चीज़ों में पॉजिटिविटी दिलाना शुरू कर देगा। वाओ, ये कैसा समय आने वाला है आपके लिए जहाँ पर आप खुद पर ज़्यादा ध्यान दोगे, जहाँ पर आप खुद की हीलिंग को महसूस करोगे, जहाँ पर आपको ध्यान रहेगा कि आने वाला टाइम मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, आने वाला टाइम मेरे लिए बहुत फेवरेबल है। और ये समय कैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव, बहुत खुशी, एक फुल ऑफ एनर्जी वाला महसूस कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन मुझे दिख रहा है। ओके, समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये खुशी नहीं है, मेरे पास वो खुशी नहीं है। लेकिन वही मैंने बोला ना, कुछ अच्छी चीज़ होने के लिए भी यू नीड टू यू नो सरेंडर टू द यूनिवर्स। आपका समय तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन कभी कभार आप इतने ज़्यादा वेमो नेगेटिव हो जाते हो कि आप समझ नहीं पाते कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, मेरी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, या मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, वैसी चीज़ नहीं है, अपने आप पर फोकस करो। जब आप खुद पर फोकस करोगे, बाकी चीज़ें यूनिवर्स खुद बढ़िया कर देंगे। ओके, ठीक है। कर्मा, ओके, कर्मा का कार्ड आया है भाई। जो किया है वही मिलेगा आने वाले समय में, जो भी चीज़ों को दिया है वही मिलने वाला है। अच्छा किया है अच्छा मिलने वाला है, बुरा किया है बुरा मिलने वाला है। ये आने वाला टाइम फुल मून कैसा बता रहा है, जो भी आपने वट एवर यू हैव गिवन टू दिस यूनिवर्स, टू दिस एंटायर वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू गेट दैट। तो अपने डीड्स पर फोकस करें, अपने कर्म पर फोकस करें। और मैं तो बोलती हूँ कुछ भी मत करो, सिर्फ भगवान का नाम का जाप करो। जाप की शक्ति बहुत होती है, जाप की शक्ति ऐसी होती है कि हर कुछ बदल देती है। मत करो पूजा पाठ, मत जाओ घंटों मंदिर, बस बैठ के भगवान के जगह पर जाप करोगे ना, आपको हर चीज़ का नतीजा मिलेगा। एक और कार्ड मैं लास्ट कार्ड ओपन करूँगी मेरे व्यूअर्स के लिए, वन लास्ट कार्ड फॉर माई व्यूअर्स। ओके, ऐसा हो सकता है दैट इज़ यू विल गेट समथिंग। भाई ये भी बहुत आना चाह रहा है, तो इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ या फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं जहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। तो उसको आँख बंद करके बिल्कुल लो। ये मत सोचो कि अच्छा करने के लिए या अच्छा रिसीव करने के लिए सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। यू नीड टू टेक रिस्क, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज़ राइट नाउ, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी चल रही होंगी, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी चल रही होंगी, लेकिन
कहीं तक पहुंचने के लिए यू नीड टू टेक द रिस्क, यू नीड टू बेयर दैट रिस्क। तो उस चीज़ से भागो मत, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ से भाग रहे हैं, मतलब खुद के ना अंदर की लैकिंग को बहुत महसूस करें, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ पर फोकस ना करें, खुद से प्यार करें, खुद को समय दें, खुद की एनर्जी पर ध्यान दें। ये फुल मून आपका है, जो दोगे वो मिलेगा, इसलिए अपने आप के लिए वर्क करो, अपने आप पर ध्यान दो। और आने वाला फुल मून आई एम डैम श्योर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आज के दिन बेलीफ रिचुअल करना बिल्कुल भी ना भूलें, बाकी स्पेल्स हम रात को करने ही वाले हैं। तो आई एम डैम श्योर आपने वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। मिलते हैं 12:12 पर न्यू रीडिंग्स के साथ, डिटेल रीडिंग्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे राधे राधे।